हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब देखिए, यहाँ पे एक डाउट आपको जो निकल के आता है, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया मैंने, 18th सेंचुरी क्या होता है, 19th सेंचुरी क्या होता है, तो वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। उसके पहले हम सारा टॉपिक जो है उसे समेट लेते हैं। समेट ऐसे लेते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो चैप्टर है वो आखिर किस बारे में है, और एक फ्लैशबैक से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारी जो मूवी चल रही है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें मैंने आपको यह बताया कि बेस्टाइल प्रिजन जो है उस पर हमला होता है। ठीक है, अब सवाल वहां से यह निकलता है कि हमला क्यों होता है, हमला क्यों होता है, उस चीज को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमले से पहले की पूरी कह सकते हैं सोसाइटी को समझना होगा। ठीक है, कि जिस सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि वो पेरिस में बेस्टाइल प्रिजन थी, उस पर हमला हुआ, तो वो सोसाइटी कैसी थी वो जानना भी तो जरूरी है। ठीक है, उसी चीज को इस टॉपिक में बताया गया है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी। अब देखो 18th 19th का क्या खेल है, हम क्या कहते हैं, आपने ये सब सुना होगा कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी, इस तरह से कहते हैं हम। यहां क्या है, 18th सेंचुरी। तो सेंचुरी का खेल सीधा सा है कि 21st सेंचुरी मतलब क्या है कि ईयर 2000 से ईयर 21000 जो रहेगा वो पूरा का पूरा 21st सेंचुरी कहलाएगा। तो ये सेंचुरी मतलब शताब्दी, यानी 100 सालों का जो टाइम पीरियड रहता है ना, तो ये 100 साल क्या 21st सेंचुरी कहलाएंगे। ऐसे ध्यान रखना, जैसे हम कहते हैं ना कितने साल के हो, तो हम क्या कहते हैं कि वी आर रनिंग 22 रनिंग, तो आप 22 साल की मतलब 22 साल में दौड़ लगा रहे हो। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि 21st सेंचुरी मतलब क्या है कि यू आर रनिंग फॉर 2100, क्लियर हुआ। तो वैसे हम क्या कहते हैं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 20th सेंचुरी, मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो हाँ 1947 मतलब क्या है, वो 20th सेंचुरी हो गया। ठीक है, 1900 से 2000 जो रहेगा, तो उसमें आप क्या है 20th सेंचुरी कहेंगे उसे, क्लियर हो गया। अब यहां क्या कहा जा रहा है, 18th सेंचुरी, तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा कि 1700 से आप किधर की तरफ दौड़ लगा रहे हो, 1700 से आप 1800 की तरफ दौड़ लगा रहे हो, तो ये 18th सेंचुरी कहलाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये जीवन में कभी आपको परेशान नहीं करेगा, ये सेंचुरी वाला क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये सेंचुरी वाला क्या कंसेप्ट होता है, ये क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्लियर है। अब क्या लिखा है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी क्या होता है, तो एक सेंचुरी 100 साल है, 100 साल को आप चार क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। देखो मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लूंगा, ये जरूरी है। चार क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, चार क्वार्टर मतलब क्या है कि हाँ 1700 से 1725, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दी 18th सेंचुरी हो गया। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर की अगर बात करें या फिर हम उसे मिड ऑफ दी 18th सेंचुरी भी कह सकते हैं, कैसे कि 1725 से 1750 के आसपास, क्लियर हो गया। अब वैसे ही क्या लेट, ठीक है, लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या कि आप आखिरी में आ गए हो, 18th सेंचुरी खत्म होने वाली है, तो 1775 से 1800 वाला टाइम पीरियड जो है। ठीक है, तो 1775 से 1800 ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, लेट 18th सेंचुरी कहेंगे, लेट 18th सेंचुरी कहेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई है, तो हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है, अभी आपको मैंने बताया था बेस्टाइल फोर्ट पर हमला कब होता है, 14th जुलाई, ठीक है, 14th जुलाई 1789 पे क्या करेंगे, वो बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ देंगे। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी में जब ये हमला हो रहा है, उस समय पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी है, अच्छी है सर, अच्छी तो है, लेकिन किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था वो आपको समझना है, क्या सर्कमस्टांसेस थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, वो सारी चीजें हम जब समझ में आएगी ना हमें, तब हमें समझ में आएगा अच्छा ये कारण रहा है, क्लियर है। तो जो चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान को पिटाई होती हुई दिखता है स्टार्टिंग में, तो उसके पीछे का कारण क्या था, तो वो पूरा वहां जाता है चेन्नई में और वो सारी कहानी। ठीक है, तो वही चीज क्या है आपको यहां कनेक्ट करना है, वैसे ही क्लियर है। तो बेस्टाइल फोर्ट पे हमला क्यों हुआ, उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, फ्रेंच सोसाइटी को समझना होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच सोसाइटी को समझना। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है कि आप देखोगे ना, तो उस समय पे फ्रांस में मोनार्की थी, फ्रांस में और यूरोप में मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज जो आज हम देख रहे हैं, तो कंट्रीज थी नहीं, वहां पे एम्पायर हुआ करते थे। ठीक है, तो जैसे बर्बन डायनेस्टी की हम बात करें, तो लुईस 16 क्या था, वही वाला बर्बन जो आप बर्बन बिस्किट खाते ना वो वाला, तो बर्बन डायनेस्टी जो है, बर्बन डायनेस्टी का राजा कौन था, लुईस 16। ठीक है, लुईस 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस 1774 में, जब ये जो लड़का था, एक छोटा सा लड़का, क्यों कह रहा हूँ, राजा नहीं कह रहा हूँ, देखो क्योंकि 20 साल ही उम्र थी, तो उस समय पे जैसे अगर आप देखेंगे तो उस समय पे क्या है, लुईस 16 राजा बन गया, राजतिलक हो गया, बधाई हो। ठीक है, अब लुईस 16 राजा बनने के साथ साथ में शादी भी हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ही वॉज मैरिड टू दी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटोनेट। ठीक है,
अब बधाई हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्याह भी हो गया लड़के का। तो इस तरह से राजा ने सिंहासन भी पा लिया, राजा की शादी भी हो गई। किससे शादी होती है, तो मैरिया एंटोनेट, ठीक है, मैरिया एंटोनेट, ये ध्यान रखना, शी वॉज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया मत पहुंच जाना न्यूजीलैंड के पास, ऑस्ट्रिया क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है फ्रांस के बाजू में, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से आप देखोगे तो लुईस 16 और मैरिया एंटोनेट जो है, तो इन दोनों का ब्याह हो गया, ठीक है, दोनों की शादी हो गई यहाँ पे। अब क्या होता है, जब वो सिंहासन पाता है, ठीक है, शादी भी हो गई है, तो लाइफ सेट है, ऐसा लग रहा है ना, लाइफ सेट नहीं है लेकिन। तो अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लेकिन जब राजा राजा बना ना, तो यहाँ पे राजा जब राज सिंहासन पाता है तो बढ़िया सॉफ्ट गादी मिली उसे, सब कुछ। लेकिन जो तिजोरी थी ना, तिजोरी मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है कि एक राज परिवार है, राज परिवार का क्या है, राजकोष होता है, उसमें उनका पूरा पैसा होता है। अच्छा, कार्टून वगैरह में दिखाया जाता है कि भर के एकदम सोना ही सोना रहता है, तो कुछ उसी तरह से, ठीक है। तो जो तिजोरी थी, ट्रेजरी थी ना, वो ट्रेजरी खाली मिलती उसे। कौन चुरा के ले गया, चोरी नहीं हुई है, ट्रेजरी खाली थी, इन द सेंस कि पैसे की कमी थी। फाइनेंशियल सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी नहीं थी। किसकी, फ्रांस की। क्यों, क्योंकि फ्रांस का राजा जो है, फ्रांस का राजा मतलब ये लुईस 16 जब राजा बनता है तो उस टाइम पीरियड में सिचुएशंस कुछ ऐसी थी। क्या सिचुएशन थी, सवाल ये आता है, ठीक है। तो देखो, मैं ही सवाल दूंगा, मैं ही जवाब दूंगा, सवाल वो होंगे जो आपके मन में होंगे, है ना, ठीक है। तो हम कनेक्ट करते चलेंगे चीजों को। सवाल ये आता है कि यहां तक तो सब समझ में आ गया सर, कि शादी हो गई, सब कुछ हो गया, राजा राजा बन गया, कौन, लुईस 16 जो है राजा बन गया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन जब वो राजा बनता है तो तिजोरी खाली क्यों मिलती है, ठीक है। तो व्हाट वर द रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। एंड यहां पे आपको क्या करना है, अपने सेंसेस को थोड़ा सा तेज करना है, और चाहो तो पेंसिल से लिख लो, एक एक क्वेश्चन आपका बनता है थ्योरी पार्ट पे सीधा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, क्वेश्चन बहुरूपिया होता है, आपको अपने कंसेप्ट हर चीज को अच्छे से समझते चलना पड़ते चलना है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। जब लुईस 16 राजा बना तो उसको खाली ट्रेजरी मिली, खाली ट्रेजरी के पीछे के कारण क्या थे, ठीक है। तो ये सारे कारण देखो, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। किसके साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी, पहला सवाल। तो कारण ये देखो, अब क्या है कि आज हम क्या है, आधुनिक युग में आ गए हैं, और उस टाइम पीरियड को भी देखोगे, लेट 18th सेंचुरी, तो लगभग हम थोड़ा ग्रो कर गए थे, सभ्य हो गए थे। तो अब ऐसा नहीं है कि बस ईंट पत्थर से लड़ेंगे। अब जब आपको लड़ाई लड़ना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, हथियार लगेंगे, ठीक है, हथियार लगेंगे, वेपन्स लगेगी, एक मतलब पूरी की पूरी आपको बटालियन लगेगी, आर्मी लगेगी। तो अब क्या हो रहा है कि फ्रांस जो है ना, एक लंबे समय से किसके साथ लड़ रहा था, ब्रिटेन के साथ में, क्लियर है। अब चीजों को कनेक्ट करते चलना, देखो ये यहां ब्रिटेन है, यहां फ्रांस है ये, ठीक है, और ये पड़ोसी पड़ोसी क्या होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन ही होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या थी, एक लंबी लड़ाई चली आ रही थी, ठीक है, लंबी लड़ाई चली आ रही थी। उस लड़ाई में क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस फ्रांस के ड्रेन आउट हो गए थे, ठीक है, लड़ाई में। आप क्योंकि मैंने वही बताया, ईंट पत्थर से लड़ोगे नहीं, आपको हथियार, सोल्जर्स वगैरह, इनके एक्सपेंसेस, ये कारण था, ठीक है। इसका प्रेशर किस पे पड़ेगा, ट्रेजरी पे। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस। सो दीज वर द रीजंस, क्लियर हो गया। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो है ना, तो भव्य पैलेस था, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत जोरदार पैलेस था, किसका, राजा का और रानी का, बहुत अच्छी बात है। रानी जो थी ना, एक कारण ये भी था, रानी भी बहुत खर्चीली थी, खर्चीली इन द सेंस कि मेकअप वगैरह ये सारे कॉस्ट भी एड ऑन हो जाते थे, ट्रेजरी खाली हो जाती थी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, लेकिन ये बात सही है कि रानी के अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन। और इसी कारण से फ्रांस की जनता जो बोल रही थी, हम भूखे मर रहे हैं और रानी तैयार होने में ही पैसा खर्च किया जा रही है, ठीक है, एक कारण वो भी था, क्लियर हुआ। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या थी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। अब क्या होता है, आपका भव्य पैलेस है ना, तो वो जितना भव्य है उतने भव्य पैसे भी लगते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि करोड़ रुपए साल का सिर्फ उसके मेंटेनेंस में पैसे लग जाते थे। तो उसी तरह से क्या है कि जो एक बड़ा सा पैलेस था जहां पे राजा रह रहा था, तो उसके मेंटेनेंस में पैसा लगता था, और वो कारण बन रहा था फ्रांस की ट्रेजरी खाली होने में, ठीक है। और भी कारण थे, मतलब दो ही नहीं कारण है, और भी कारण थे। फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखो यहां पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल समझना, ब्रिटेन और फ्रांस, ये ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच में लड़ाई थी। अब वहीं पे क्या हो रहा है पता है, ब्रिटेन जो है ना, तो ब्रिटेन एक तरह का कह सकते हैं कॉलोनियल पावर था। ब्रिटेन ने अमेरिका को गुलाम बना के रखा था, अफ्रीका में गुलाम बना के रखे थे देशों को, मतलब इंडिया में ब्रिटेन का कब्जा था, क्लियर हो गया। तो इसके चलते क्या है कि फ्रांस, ये ब्रिटेन के अलग अलग जगह कॉलोनी थी, हमें आजादी लेट मिली, 1947 आ गया आजादी लेते लेते, लेकिन
यहां पर जैसे अगर आप देखोगे ना तो अमेरिका को जो कॉलोनी बना के रखा था ब्रिटेन ने, तो अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन से आजादी ले ली। कब आजादी ले ली? तो बहुत पहले, आई गेस 1776, हाँ इस टाइम पीरियड में ही, ठीक है शायद 4 जून जुलाई ऐसा कुछ तारीख है। तो इस तारीख में क्या है, इस तारीख में आजादी मिल जाती है अमेरिका को, किससे? ब्रिटेन से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन से आजादी मिली, तो आजादी ऐसे नहीं कि बस ये लो आजादी खरीद लो, लड़ना पड़ा ना उसके लिए। तो अमेरिका जो था ना, अमेरिका वॉज एंगेज्ड इन वॉर। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में क्या था? वॉर था। अब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में वॉर है, फ्रांस यहां बैठ के ताली नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा लॉजिक है, आप समझते हो इस चीज को, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन का दुश्मन कौन है? अमेरिका है, अमेरिका लड़ रहा है उससे आजादी के लिए। वैसे ही ब्रिटेन का दुश्मन कौन है? फ्रांस भी है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के दोस्त बन गए। अब दोस्ती की है, निभाना पड़ेगी। कैसे निभाना पड़ेगी? तो फ्रांस जो है, तो फ्रांस क्या करता है? अमेरिका को मदद पहुंचाता है, फाइनेंशियल एड पहुंचाता है कि हाँ तुम्हें लड़ना है, ब्रिटेन से आजादी चाहिए, लो आजादी, मारो पीटो अच्छा ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का भी दुश्मन था। तो इस तरह से फ्रांस क्या है, खुद की हालत बहुत खराब है। ठीक है, खुद की हालत बहुत खराब है, खुद को कर्ज चाहिए, लेकिन वो किसको कर्ज दे रहा है, किसको मदद पहुंचा रहा है? अमेरिका को मदद पहुंचा रहा था कि अमेरिका क्या, उनके जो कॉमन एनिमी है ब्रिटेन, उससे आजादी पा सके। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो था, इस पूरे ट्रायंगल में ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका जो है ब्रिटेन से लड़ रहा था और उसकी मदद फ्रांस कर रहा था। फ्रांस जब मदद करेगा तो फ्रांस के पैसे खत्म होंगे। ठीक है, पैसे खत्म होंगे मतलब का क्या होगा? ट्रेजरी जो है ना, तो उस ट्रेजरी पे क्या आने वाला है? प्रेशर आने वाला है। क्लियर है? तो फ्रांस हेल्प दी 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है, अब एक और, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको। आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हो ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनफैक्ट क्या है? गिफ्ट था। किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से अमेरिका को। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अमेरिका ने लिबर्टी पाली थी, आजादी पाली थी, किससे? ब्रिटेन से। क्लियर है? अभी आप सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी स्टैच्यू जो है, तो उस समय पे क्या फ्लिपकार्ट वाले थे, अमेजोन वाले थे, कौन डिलीवर करके आया? तो पता है ये स्टैच्यू जो है तो पूरा एक बार में नहीं गया था, ऐसे पहुंचाया गया था इसको, किसकी गर्दन गर्दन अलग से पहुंचा दी। ठीक है, बनाया फ्रांस में था, फिर ऐसे पार्ट्स पार्ट्स में पहुंचाया था। तो डिलीवरी जो है तो क्या दी गई थी? पार्ट्स में डिलीवरी दी गई थी। खैर, सो दिस वॉज द साइन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन फ्रांस एंड अमेरिका। ठीक है, वो एक अलग इशू है। बाकी हम वापस आते हैं टॉपिक पे कि और क्या कारण थे ट्रेजरी खाली होने के। तो दी वॉर aided more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Livres, ये liver kidney वाले नहीं है। Livres मतलब क्या है? Currency. उस समय पे France की currency थी livres. अब क्या समझ रहे हो आप कि ये जो पूरा फ्रांस खुद लड़ रहा है ब्रिटेन के साथ में, जिससे उसकी ट्रेजरी खाली हो गई है, अमेरिका लड़ रहा है तो अमेरिका को मदद दिलवाना। ठीक है, अब फ्रांस में भी ऐसा नहीं कोई पेड़ लगा है पैसों का कि हिलाएंगे और पैसे गिराएंगे। क्या हो रहा है कि इसके चलते फ्रांस के ऊपर कर्जा चढ़ते चलेगा। ठीक है, फ्रांस के ऊपर आपको डेट देखने को मिलेगा, कितने का? बिलियंस का। ठीक है, और उस समय पे बिलियन होना मतलब बहुत बड़ा एक कर्ज होना, 2 बिलियन। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है मोर देन 2 बिलियन लिवर्स, तो एक बहुत बड़ा कर्ज जो है फ्रांस के सिर चढ़ गया था। अब क्या होता है, जिन लोगों से कर्ज लिया होगा, मान लो क्या दूसरे देशों से कर्ज लिया होगा, अपने ससुराल से कर्ज लाया होगा, ऑस्ट्रिया से। क्लियर है? तो फ्रांस के ऊपर जितना कर्ज था ना, उस कर्ज के ऊपर क्या लगता था? इंटरेस्ट भी लगता था। दिखती बात है, आप लोन लोगे तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो एक कारण यह भी बन रहा है कि आपकी ट्रेजरी में जितना पैसा था, आप क्या करते रहे कि उस कर्ज को चुकाने में, उस कर्ज को पूरा करने में जो टैक्स देना, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट में ही आपका पैसा चले जा रहा है। तो लेंडर्स हु गेव स्टेट क्रेडिट, मतलब राज्य को जिन्होंने क्या दिया, लोन दिया एक तरह से, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, तो लोन्स पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाने लगा। रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज। अब उसके अलावा क्या है कि ये सारी चीजें तो खर्चे बढ़ा ही रही थी, साथ ही साथ क्या है कि एक आदमी जो रहता है उसके रेगुलर एक्सपेंसेस भी रहते ना। तो यहाँ तो पूरा का पूरा राज्य है, फ्रांस है, तो फ्रांस में क्या है, आर्मी जो है तो नो डाउट लड़ेगी आर्मी ही। तो आर्मी भी ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ त्याग के लड़ने चले जाएगी, उसको भी अपने घर चलाना है, एक्सपेंसेस, आर्मी के एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर क्या है, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज। तो इन सारी चीजों में रोजमर्रा के जो खर्चे थे वो तो सहना ही थे, या फिर कहना कि वो तो आपको बियर करना ही पड़ेंगे। तो ये सारे कारण जो थे ना, इन सारे कारणों के चलते क्या होता है, इन सारे कारणों के चलते आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है खत्म, ठीक है, खाली होने लगती है। अब ये जब फ्रांस की ट्रेजरी खाली होने लगती है ना, तो उसके चलते क्या होता है, देयर फॉर द स्टेट, स्टेट मतलब लुई 16 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लुई 16 क्या बोलता है, लो भैया अब पैसे खत्म हो गए, अब हम क्या कर देते हैं, अब हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, टैक्सेस बढ़ा देंगे, पैसे ज्यादा आ जाएंगे ट्रेजरी में, समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लुई 16 ने तय किया कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया, लुई 16 ने तय किया कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। अब देखो, 2 मिनट के लिए यहाँ पे रोकता हूं मैं आपको, और एक बार सारी चीजों को फिर समेट लेते हैं हम। क्या हुआ कि हम समझ रहे हैं फ्रांस, मतलब फ्रांस में हम ये समझने की कोशिश करें कि वो बेस्टाइल फोर्ट पे, बेस्टाइल प्रिजन पे हमला क्यों हुआ। ठीक है,
हमला क्यों हुआ तो उसके लिए हमें सोसाइटी समझना होगा। तो हमने फ्रांस की उस समय की सोसाइटी को समझने से पहले हमने देख लिया कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। लुई 16 शादी हो गई, राजा बन गया, लेकिन ट्रेजरी खाली थी। ट्रेजरी क्यों खाली थी, सारे कारण मैंने बता दिए। अब जो ट्रेजरी खाली थी ना, तो उसको भरने का क्या उपाय सुझा राजा को कि हम एक बार टैक्स बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है। तो अब आप सोचोगे तो हाँ क्या दिक्कत है, मतलब बढ़ा दो टैक्स, टैक्स ही तो बढ़ाना है, टैक्स बढ़ा दोगे पैसा आ जाएगा। लेकिन टैक्स बढ़ाना उतना आसान नहीं था, आसान नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि टैक्स जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा था वो गलत था, और वही कहीं ना कहीं क्या बनेगा, रेवोल्यूशन का कारण बनेगा, समझना चीजों को, ठीक है। वही रेवोल्यूशन का कारण बनेगा, समझना चीजों को। देखो क्या हो रहा है, दी फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी को समझने की कोशिश करें तो इट वॉज अ फ्यूडल सोसाइटी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अ फ्यूडल सोसाइटी? फ्यूडल सोसाइटी मतलब ऐसा है कि देखो एक राजा, ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी को चलो समझा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अच्छे समझना, एक एक शब्द समझते चलो, क्योंकि यही सारी चीजें आप 10th में भी पढ़ोगे हिस्ट्री में, फिर कंफ्यूजन होगा, क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो फ्यूडल सोसाइटी मतलब कि एक राज्य है, क्लियर, एक राज्य है पूरा। तो अब इस एक राज्य में क्या होता है, एक राजा, जैसे पूरा फ्रांस था, अब राजा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी, तो राजा खुद नहीं संभाल सकता है ना, राजा एक अकेला बेचारा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि राजा क्या करता है कि अपनी अलग अलग पार्ट्स को, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, एक तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देता है, फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देता है। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं, तो एक तरह से अभी आप पढ़ोगे नोबल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकंड स्टेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो राजा, राजा से जुड़े हुए लोग हैं, रिश्तेदार है, भाई भतीजा, ये लोग इनको दे दिया, बोल दिया कि संभालो इतनी इतनी टेरिटरी। अब ये लोग कैसे संभालेंगे, तो ये लोग भी नवाब हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दूसरे लोगों को बोल देते हैं जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं कि तुम काम करो हमारे खेतों पे, ठीक है, बदले में हमें क्या देना, टैक्स देना, क्लियर है। तो इस तरह की फ्यूडल सोसाइटी थी, इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको, हायरार्की देखने को मिलेगी, ठीक है, ऊपर कोई है फिर उसके नीचे कोई है, इस तरह से, और आम जनता जो है आम है, ठीक है, आम जनता को आम की तरह चूस लिया जाता था इन फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा, क्लियर। तो उस तरह की फ्यूडल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी कहां पे, 18th सेंचुरी में फ्रांस में, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या कहा गया है, पूरे के पूरे सिस्टम को ओल्ड रिजीम कहा गया है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनेंगे ना आपके, वो ऐसे ही बनना है, एक एक चीज बाल की खाल निकाल दी जाती है कि ओल्ड रिजीम क्या है, तो जो फ्यूडल सोसाइटी थी, कब फ्यूडल सोसाइटी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले तक, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम इज रेफर टू दी सोसाइटी बिफोर 1789, और वी कैन से सोसाइटी बिफोर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्यों, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो बदलाव आएगा ना, क्रांति के बाद क्या आता है, बदलाव, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी एक फ्यूडल सोसाइटी थी जो हायरार्की पे बेस्ड थी, वो कब की कहानी है, वो रेवोल्यूशन से पहले की कहानी है, ठीक है, रेवोल्यूशन से पहले की कहानी है। तो द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। स्टेट्स मतलब क्या है, यहां पे स्टेट्स मतलब क्या है, कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 स्टेट्स थी, कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अभी हम समझेंगे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी एक फ्यूडल सोसाइटी थी जो एक हायरार्की पे बेस्ड थी, ठीक है। उस हायरार्की में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 अलग अलग तरह के ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, स्टेट्स कहा जाएगा। तो 3 अलग अलग तरह के स्टेट्स थे, ठीक, और उसमें भी क्या है कि सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, वही टैक्स पे करते थे। अब कहानी को वापस यहां लाओ, राजा ने क्या निर्णय लिया कि ट्रेजरी खाली हो गई है मेरी, तो मैं क्या करता हूं, टैक्स बढ़ा देता हूं, बढ़ा दे भैया। लेकिन इसमें दिक्कत थी ना, क्या दिक्कत थी, वो दिक्कत यही थी कि टैक्स कौन पे करता था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। थर्ड स्टेट के लोग कौन है सर, तो वो भी समझ लो, ठीक है, कहानी समझते चलना, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेट में आती थी आम जनता, ठीक है, मैंने वही बताया कि आम जनता को आम की तरह चूस लिया जाता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के द्वारा। फर्स्ट स्टेट कौन है, सेकंड स्टेट कौन है, तो देखो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है ना, वो कौन हो जाएंगे, तो जैसे फर्स्ट स्टेट में यहां दिया है, पहले मैं समझा देता हूं आपको, ये डायग्राम आपकी बुक में भी, फर्स्ट स्टेट में कौन आ गए, क्लर्जी आ गए। क्लर्जी कौन लोग हैं, तो मतलब जो चर्च से जुड़ी हुई, क्या कह सकते हैं, जिनके पास फंक्शंस रहती थी। हम जैसे हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में कहें तो जैसे जो पुरोहित वगैरह हो गए, ठीक है, जो क्या करते थे, पूजा पाठ वगैरह करवाते थे, मंदिर वंदिर संभालते थे, और उनका राज्य में भी बैठना होता था, इंडियन अगर कंटेक्स्ट में आप समझोगे, तो वैसे ही दोज इंडिविजुअल्स हु हैड स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग दी चर्च, ठीक है, वो सब क्लर्जी की कैटेगरी में आ जाते थे, और इनको प्रिविलेजेस मिलते थे, इनके पास में बहुत सारे राइट्स होते थे, बाय बर्थ होते थे। ये फर्स्ट स्टेट के लोग क्या है, मक्खन वाली लेयर पे हैं, सेकंड स्टेट वाले भी मक्खन वाली लेयर पे हैं, कैसे, तो नोबेलिटी आ गया। अब नोबेलिटी मतलब क्या है कि राजा और राजा की मदद जो एडमिनिस्ट्रेशन में करते थे ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, ठीक है, जो दरबार में बैठने वाले लोग रहते थे ना, वो सारे कौन हो गए, नोबेलिटी में आ गया, नोबल्स। तो नोबेलिटी, सेकंड स्टेट के लोग भी क्या है, ये भी मक्खन वाली लेयर है, ठीक है। अब टैक्स कौन पे करता था, मैंने आपको यहां बताया अभी कि टैक्स जो रहता था ना, तो टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। तो थर्ड स्टेट में कौन लोग होते थे, तो जितनी भी जनता जनार्दन है बची खुची, ठीक है, तो बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट,
कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, तो मतलब थोड़े से कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ आ गए, पीजेंट आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि थर्ड स्टेट में अमीर और गरीब दोनों है, लेकिन पावर नहीं है थर्ड स्टेट के लोगों के पास में, और ये थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। तो ये आपको समझ में आ गई इतनी कहानी कि फ्रेंच सोसाइटी जो है 18th सेंचुरी में तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थी और टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते थे, लेकिन आप देखोगे तो पावर और प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, ठीक है, तो दे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, तो जन्म से ही कुछ राइट्स जो है वो एंजॉय करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग। क्या राइट्स एंजॉय करते थे, देखिए, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। क्या कि भैया फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट खूब पैसा कमाओ, लेकिन टैक्स तुम मत देना, तुम तो एंजॉय करो बस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर क्या है, द नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब जो नोबल्स मैंने बताया, जो राजा के दरबार में बैठने वाले लॉर्ड हैं, जो लोग हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो क्या करते थे, राजा के बिहाफ पे संपत्ति को संभालते थे, वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होता है मैं बताता हूं आपको। तो मैंने आपको जो समझाया ना कि क्या है कि ये इतनी जगह पे अगर किसी को एक फ्यूडल लॉर्ड बना के बिठाया है, हिंदी में से सामंतवाद कहते हैं कि सामंत बना के बिठाया है कि राजा के बिहाफ पे वो उस जगह को संभालेगा, तो वो इंसान क्या करता था कि यहाँ जितने भी पीजेंट्स काम कर रहे होते ना, इनसे बोलता था चलो भाई टैक्स लाओ, ठीक है, फूड ग्रेन्स लाओ, और क्या बनाए तुम्हारे घर में वो भी लाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करता था, जिसका बर्डन किसको सहना पड़ता था, आम जनता को, थर्ड स्टेट के लोगों को, ठीक है। तो द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, क्लियर है। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है। तो फ्यूडल ड्यूज जो पीजेंट्स के द्वारा पीजेंट्स से एक्सट्रैक्ट की जाती थी। ये इमेज देखो तो इससे आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। इमेज का टाइटल क्या दिया है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो स्पाइडर, ये जैसे इमेज में दर्शाया गया है कि स्पाइडर क्या करती है, एक मकड़ी जो होती ना, तो मकड़ी, मकड़ी का जाला जो रहता है पूरा फैला हुआ एक साम्राज्य टाइप से, लेकिन वो क्या करती है, इन फ्लाइज को फंसा लेती है। फ्लाइज मतलब क्या, बेचारी जो मेहनत कर रही है, उड़ के जा रही है इधर उधर से, ठीक है, उनको स्पाइडर क्या अपने जाल में फंसा लेती है। तो वैसे ही क्या है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे इनको स्पाइडर की तरह कंसीडर किया है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये देखो इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, मतलब ये आप जैसे देखोगे तो नी ब्रीचेस है, ये आगे आप पढ़ोगे तो अभी मैं बता दे रहा हूं फोटो में, ये नी ब्रीचेस है, मतलब ऐसे जो ऊंचे ऊंचे जूते आते हैं ना उस टाइप से, क्या कहते हैं इन्हें जो भी आपकी लैंग्वेज में, क्लियर हो गया। तो यहां पर चीज समझना कि जैसे हम जो आपको बता रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड बैठा हुआ है, ये आम जनता है, पीजेंट है, तो वो चीज ये फ्रेंच लैंग्वेज में सब लिखा है उसको यहां पर वो क्या कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया कि पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन्स, फ्रूट्स, मनी, सैलाड, ठीक है, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। तो मतलब ये मोटा सा जो लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड है, वो बैठा हुआ वो सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा कि हाँ सब लाओ दे दो, क्लियर है। तो द नोबल मैन इज अ स्पाइडर, द पीजेंट इज द फ्लाई। तो नोबल मैन जो बैठा है वो क्या है, वो एक स्पाइडर की तरह है जो फ्लाई को खा जाएगा, ठीक है, तो इन पीजेंट्स को, गरीबों को खा जाते थे, क्लियर है। द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स। तो उस तरह से अब इसके पास बहुत कुछ है, टैक्स भी नहीं देना पड़ा, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो, और चाह रख रहा है, ठीक है। ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी को यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, जिसका पूरा बर्डन कहाँ आ जाता था, थर्ड स्टेट के ऊपर आ जाता था। थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। तो जो नोबल लॉर्ड हुआ करते थे सेकंड स्टेट के, फर्स्ट स्टेट के जो क्लर्जी हुआ करते थे, उन्हें अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ना, तो उन्हें बाय बर्थ ऐसा रहता था कि नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज पे करना पड़ेगी किसको, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, क्लियर है। यू हैव टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो आर्मी में या तो काम करो या फिर क्या है, रोड बिल्डिंग पार्टिसिपेट, मतलब रोड बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करो, मतलब काम करो, तुम्हें सेवा करना है कुल मिला के ऐसा। तो इस तरह से सोसाइटी बहुत हायरार्कल थी, आपने देखा कि हाँ एक हायरार्की बनी हुई है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मजे में एकदम स्विमिंग पूल में, थर्ड स्टेट के लोग जो है तो बूंद बूंद पानी से तरस गए, ऐसी स्थिति हो गई है, क्लियर है। ये स्थिति आपको यहां देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते, अगर हम आगे बढ़ते तो देखो यहां पे क्या है, टैक्सेस कौन पे कर रहा है, कहानी समझना, पूरी कहानी का सार अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले जितना ही पढ़ा है। टैक्सेस कौन पे कर रहा है, टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सेस क्या होते थे, तो जैसे आप देखोगे तो टिथ, ठीक है, टिथ करके, टिथ्स करके जो टैक्स होते थे, तो अ टैक्स लिव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो मैंने बताया ना फर्स्ट स्टेट भी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा था, तो फर्स्ट स्टेट में जो चर्च से जुड़े हुए क्लर्जी क्लास के लोग होते थे, तो उनको ये एक तरह का कह सकते हैं एडवांटेज था कि वो एक टैक्स लगाते थे टिथ्स के नाम से, ठीक है। तो ये जो टिथ्स के नाम से टैक्स लगाया जाता था, ये क्या होता था कि एक पीजेंट ने जितना भी प्रोड्यूस किया, मान लो कि मैंने 100 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस किया है, तो 1/10 जो होगा उसका, मतलब 10 क्विंटल मुझे टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा चर्च को, तो एक ये टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरा एक डायरेक्ट टैक्स जो कह सकते हैं गवर्नमेंट के लोग लगाते थे, गवर्नमेंट मतलब कि जो राजा है, ठीक है, तो राजा जो डायरेक्ट
टैक्स लगा था उसे क्या कहा जाता था, टेल कहा जाता था। तो अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, अब ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपके ऐसे ही क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकते हैं। हर चीज को ध्यान करते चलना, अंडरलाइन करते चलना, मैं समझाते चल रहा हूं आपको, ठीक है। तो एक तरह का टैक्स होता था टेल, टेल डायरेक्ट किसको दिया जाता था, तो आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता था, पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है, राजा को दिया जाता था। और टैक्स जो होते थे तो वो किस तरह के टैक्स होते थे, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो किसान ने जितना प्रोड्यूस किया उसका 1/10 क्या होता था, चर्च को देना पड़ता था। तो टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय चर्च टैक्स हो गया, और टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय द स्टेट डायरेक्ट टैक्स कौन सा था, टेल था। इसके अलावा अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो फूड प्रोडक्ट्स पे, टबाको पे, ठीक है, सॉल्ट पे, इन सारी चीजों पे लगाए जाते थे। तो इसके अलावा भी क्या है, मल्टीपल टैक्सेस होते थे। अब आपने पूरी कहानी पढ़ ली है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा वाला, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि सोसाइटी कैसी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है, सोसाइटी में समस्याएं क्या थी, तो ट्रेजरी खाली थी, और उससे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी कि उस ट्रेजरी खाली का जो बर्डन आने वाला है, जो राजा टैक्स बढ़ाएगा, वो किसके ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा थर्ड स्टेट के ऊपर जाएगा, जो थर्ड स्टेट क्या है, पहले से दबा हुआ था, मरा हुआ था, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि स्थिति क्या थी। अब लोग क्यों ना हमला करें, समझ में आ गया ना, लोग क्यों ना हमला करें राजा के ऊपर, राजा मतलब इतना ज्यादा अत्याचारी है कि राजा एकदम खून चूसने पे बैठा हुआ था थर्ड स्टेट के लोगों का, क्लियर है। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ सही किया वो बेस्टाइल प्रिजन पे जो हमला हुआ, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, इट वॉज अ गुड स्टेप, ठीक। लेकिन इतना ही नहीं है, सिर्फ यही कारण नहीं था, कारण और भी थे। तो एक और कारण क्या था कि ये तो गरीबी है, अब गरीबी में आटा और गीला कैसे होगा, पता है, गरीबी में आटा और गीला हो जाएगा जब आगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस डेवलप होंगे। क्या है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आगे का टॉपिक कनेक्ट करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। ये सभी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ आप इन्हें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है magnetbrains.com उस पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। magnetbrains.com पर आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा, अगर आपको YouTube पर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो। करना क्या होगा आपको, सिंपल है, magnetbrains.com लिखना है गूगल पर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपनी क्लास सेलेक्ट करना, क्लास 9th, क्लास सेलेक्ट करते से उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपको जो पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते से आपके सामने क्या आएगा, ठीक है, चैप्टर आ गया, ठीक है, टॉपिक आ गया, सब टॉपिक आ गए, सब कुछ आ गए, ठीक। तो अब जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़ना है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस पर क्लिक करो, आगे बढ़ेंगे हम, क्लियर हो गया। तो इस तरह से स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, क्यों, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्या है ये चीज। Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.